हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपचुनावों में चुने गए 6 विधायकों को बुधवार को प्रदेश विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित कैबिनेट मंत्री, विधायक व अन्य गणमान्य मौजूद रहे। नवनिर्वाचित विधायकों में कांग्रेस के 4 विधायकों गगरेट से राकेश कालिया, कुटलहट से विवेक शर्मा, लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा और सुजानपुर से कैप्टन रंजीत राणा ने शपथ ली। वहीं भाजपा के 2 विधायक धर्मशाला से सुधीर शर्मा और बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल ने भी शपथ ली। गौरतलब है कि इनमें विवेक शर्मा, अनुराधा राणा और कैप्टन रंजीत राणा को पहली बार प्रदेश विधानसभा के लिए चुना गया है। वहीं शपथ ग्रहण के पश्चात मीडिया से बात करते हुए नव निर्वाचित विधायकों ने अपनी प्राथमिकताएं बताई। मैं अनुराधा राणा, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूं, ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। मैं कैप्टन रंजीत सिंह, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि और स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उनके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं राकेश कालिया, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं विवेक शर्मा, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण रखूंगा। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं सुधीर शर्मा, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। लखनपाल, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। जी, मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सबसे पहले जो हमारी ट्राइबल जनजातीय जनता है, जिन्होंने मुझे अपना मैंडेट दिया, समर्थन दिया। आज शपथ के बाद एक जिम्मेदारी का एहसास और ज़्यादा बढ़ चुका है और जनता के प्रति जो जिम्मेदारी को चुन के हम यहाँ पे आए हैं, विधानसभा में जो कदम रखा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसमें हम कामयाब होंगे और जनता ने जिस विश्वास से हमें चुना है उनके विश्वास पे खरा उतरना मेरा मकसद रहेगा। देखिए, सभी जानते हैं हमारा लाहौल स्पीति एक जनजातीय जिला है और जनजाति हमारी एक खूबसूरती भी है और हमारी पहचान भी है। तो जनजातीय का जो दर्जा दिया है, हमारे संविधान ने जो दिया है, कांग्रेस की देन है। अगर देखा जाए जनजातीय जिला का जो दर्जा हमें लाहौल स्पीति को मिला है, जिसके अंतर्गत कई तरह के हमारे पास अधिकार हैं, तो चाहे वो शेड्यूल 5 का अधिकार हो, चाहे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का अधिकार हो, या पेशा कानून का हो, शेड्यूल 5 का हो, जिसके अंतर्गत कई तरह के अधिकार हमें अपने जल जंगल जमीन पे मिलते हैं, तो उनका संरक्षण करना, उनके संरक्षण करना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और इसके अलावा अगर डेवलपमेंट परस्पेक्टिव से बात की जाए तो उसके लिए भी हम कार्य करेंगे, क्योंकि हमारे जिला जो अलग अलग एक तरह से जो घाटियाँ हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, तो हर जगह की अलग प्राथमिकताएँ हैं। पर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएँ जो हमारे ओवरऑल जो एक पूरा जिला का मुद्दा, इसको सुधारने के लिए हम कार्य करने के प्रयास करेंगे। कई हमारे गांव ऐसे हैं जो अभी भी नेटवर्क कनेक्टिविटी से जूझ रहे हैं या सड़कों की हालत कहीं सही नहीं, तो उसके लिए हम कार्य करने की कोशिश करेंगे। ट्राइबल राइट्स की मैं पहले बात कर चुके हैं और पर्यटन एक बहुत एक अच्छा मौका एक रोजगार के तौर पर हमारे जिला के लिए उभरा है, खासकर अटल टनल, रोहतांग टनल के बाद के, तो उसके लिए भी हम चाहेंगे एक सस्टेनेबल वे में हम टूरिज्म को प्रमोट करें और हमने अपना एनवायरमेंट भी देखना है, पर्यावरण भी देखना है, तो एक आइडल के तौर पर हम चाहेंगे अपने जिला को हम बेहतर आगे लाएं हर क्षेत्र में।
महिलाओं की भागीदारी हमारे लोकसभा या विधानसभा में कितनी रहती है, तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 52 साल बाद लाहौल स्पीति से एक महिला को नेतृत्व करने का मौका मिला है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक मैसेज सभी को जाता है, और क्योंकि मेरी कोई ऐसी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, मैं एक आम परिवार से संबंध रखती हूँ, मेरे माता पिता भी आम किसान हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीज़ हर महिला को थोड़ा सा प्रेरित, थोड़ा नहीं काफ़ी प्रेरित करेगी कि ये लोकतंत्र है। यहाँ पे एक राजनीति कोई विरासत नहीं है, लोकतंत्र में हर कोई इलेक्शन लड़ सकता है और जीत भी सकता है अगर जनता का प्यार और आशीर्वाद हो। तो महिलाओं के लिए हम कार्य करेंगे और हमारी कार्य हमने सभी के लिए करना है, पर ये कोशिश रहेगी कि महिलाओं को हम आगे लाने का हर संभव प्रयास करें। है, पानी है, रोजगार है, पर्यटन की दृष्टि से क्षेत्र को बढ़ावा देना है और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री का हमारे साथ जो है पूरा साथ है, और क्षेत्र में ये जो काम है रोजगार और पर्यटन की दृष्टि से और पानी का, और इसके ऊपर जो है काम हमने शुरू भी कर दिया है। सरकार ने 14 महीने में जो है जो हमने पानी की नई स्कीमें वहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले समय में 3.5 साल में इसी को पूरा किया जाएगा। सुजानपुर से चुन के आने के लिए मुझे कोई चुनौती नहीं थी, मैंने फौज में भी चुनौतियाँ फेस की थी, और सुजानपुर में आने के बाद जब इलेक्शन लड़ा है इसमें भी कोई मैंने चुनौती महसूस नहीं की है, क्योंकि लोगों के सुख और दुख में हर जगह मैं हिस्सा लेता था और लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ था। और दूसरा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का दोनों हाथ से मेरे ऊपर आशीर्वाद था, इसलिए कोई चुनौती नहीं थी मेरे पास। सुजानपुर के पीछे 15 साल से विकास के कार्य रुके पड़े थे, जो सिर्फ बातों में ही काम होते थे, ग्राउंड पे कोई काम नहीं होते थे, उनको करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, और पहले और अब क्या हो रहा है उसमें फ़र्क जरूर बताऊंगा। ये बताऊंगा कि पहले क्यों नहीं होते थे और अभी कैसे ईमानदारी के साथ काम हो रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे फौज के बीच में काम किया है तो वहाँ से भी मैं राष्ट्रपति मेडल लेके आया हूँ, गैलेंट्री अवार्ड, तो इसलिए अभी पब्लिक से गैलेंट्री अवार्ड लूँगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, प्राथमिकताएँ तो निस्संदेह रूप से अपने चुनाव क्षेत्र की रहेंगी, जिनको लेकर के वर्तमान में जो सरकार है उसके साथ हमारा झगड़ा चल रहा था, और उन्हीं को दोबारा से उन कार्यों को गति देनी है। मैं धन्यवादी हूँ अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों का, जिन्होंने अब तक के सबसे अधिक मत दे करके मुझे पुनः निर्वाचित किया है। देखिए, वहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा है, IT पार्क का मुद्दा है, यूनिटी मॉल वहाँ बनना उसका मुद्दा है, हमारा जो है हाई अल्टीट्यूड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है जिसका 250 करोड़ रुपये केंद्र से आ रखा है, उसका निर्माण कार्य वर्तमान सरकार ने रोक रखा है, उसका मुद्दा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रत्यक्ष रूप से रोजगार से भी जुड़ी हुई हैं, तो उस सारी लड़ाई को लड़ना है। तो बिल्कुल यही मुद्दे थे, और अब जब तक ये सरकार है तब तक इनके सामने जो है इनको मुखर हो करके रखेंगे, एक सरकार के सामने उन बातों को रखेंगे। और वैसे भी ये वर्तमान जो व्यवस्था है बड़े दिन रहने वाली नहीं है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आभारी हूँ धर्मशाला के लोगों का, उन्होंने अब तक के सबसे अधिक मत दे करके मुझे पुनः चुन करके भेजा है। अब चौथी बार विधायक बन गए, क्या कहना है जी? सबसे पहले तो मैं अपने बरसा विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक भारी कशमकश के बीच में मुझे फिर से अपना नेता चुना है, विधायक चुना है, उसके लिए उनको मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। प्राथमिकता वही है जो चुनाव के समय में मैंने उठाई थी और पहले भी उठाते रहे हैं, चाहे वो पानी की समस्या है, चाहे स्वास्थ्य की समस्या है, चाहे सड़कों की समस्या है, चाहे ट्रांसपोर्ट की समस्या है, चाहे बेरोजगारी की समस्या है, चाहे किसानों की समस्या है, सारी समस्याएं जो बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको समय समय पर सदन के ऊपर भी उठाया जाएगा, सदन के बाहर भी उठाया जाएगा। संगठन तो कोई भी हो, काम तो करने पड़ता है, और जहाँ बहुत वर्षों तक काम किया उसकी यादें भी साथ चली रहती हैं और अनुभव रहता है साथ में काम करने का, तो यहाँ पर भी अपने पुराने अनुभव के साथ काम करूँगा पूरे जोर के साथ। बिल्कुल, इसमें क्या है, राजनीतिक परिदृश्य में अब तो 2 महीने से चुनाव प्रक्रिया में थे, बिल्कुल कंफर्ट है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आज जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज वो जो 6 नवनिर्वाचित मान्य सदस्य हैं उनकी शपथ समारोह आज विधानसभा की लाइब्रेरी के हॉल में रखा गया था, जो अभी संपन्न हुआ है। मैं उन सभी सामान्य सदस्यों को जो निर्वाचित हुए हैं अभी 6 सीटों पर, उनको अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा, और पूरा सहयोग एज ए अध्यक्ष सदन के संचालन में मेरा उनको मिलेगा, और मुझे उनसे भी उम्मीद है कि वो
हिमाचल प्रदेश के हित से जुड़े हुए विषयों को हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के माध्यम से उठाकर जन कल्याण में अपना सहयोग देंगे। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी 4 जून को सरकार बनाने की बात कर रही थी और बार बार हम कह रहे थे कि हमारी सरकार की पूरी मेजोरिटी के लिए 1 सीट की जरूरत है, लेकिन जनता ने 4 सीटों पर हमें चुनकर भेजा और हम पूरी मेजोरिटी से 38 पर पहुंच गए हैं। अब 3.5 साल हमने लोगों के कार्य करने हैं, निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमने कुछ फैसले किए हैं और दिन प्रतिदिन हमारी सरकार और हमारे मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण फैसले ले रहे हैं और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिके हुए प्रत्याशी थे उनको टिकट दिया तो जनता ने उनको हार का रास्ता दिखाने में 80% तक सफल हुए। सर, तब तक 3 उपचुनाव भी हैं सर? 3 उपचुनावों की घोषणा कर दी है और 3 उपचुनाव लड़ेंगे। तब प्रत्याशियों को लेकर कब तक? प्रत्याशी भी जल्दी आपके सामने आएंगे और आपको पता लग जाएगा।